ओडिशा और बंगाल वासियों के लिए शुरू हुआ पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से। गुरुवार दोपहर अर्थात आज 1 बजे पुरी से चलकर हावड़ा जाने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पुरी से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 22896 दिया गया है। वहीं हावड़ा से पुरी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 22895 दिया गया। यह ओडिशा से बंगाल व बंगाल से ओडिशा जाने के लिए पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है। हावड़ा से पुरी जाने के लिए केवल 6.5 घंटे लगेंगे और खड़गपुर से पुरी जाने के लिए केवल 5.5 घंटे लगेंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में क्या क्या सुख सुविधा उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी हम खड़गपुर डिवीजन के सीनियर DCM राजेश कुमार से सुनते हैं। वंदे भारत का अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पुरी से वंदे भारत का इनोग्रेशन किया जाएगा और इसका लाइव प्रसारण हम लोग हमारे खड़गपुर डिवीजन के डिफरेंट स्टेशन में सोरो, बालासोर, जलेश्वर, रुत्ता, बागली कोसी, बेटनोटी, बारीपदा, खड़गपुर, हावड़ा सब जगह होंगे। यहाँ से जितने भी ये ट्रेन जो उड़ीसा से खुलने वाली वंदे भारत पहली ट्रेन है जो कलकत्ता को कनेक्ट करेगी, तो ये हम सबके लिए एक खुशी की बात है। इसीलिए हम लोग सभी यहाँ के जितने भी निवासी जो रहते हैं वो सब आके वहाँ लाइव प्रोग्राम देखें और वंदे भारत जब आएगी ट्रेन तो उसका भी आप देख सकते हैं अपने आंखों से कि इतनी वर्ल्ड क्लास की जो सेट ट्रेन सेट बनी है जिसमें सस्पेंशन सिस्टम हाई क्वालिटी की है, किसी प्रकार का जर्क नहीं लगता है, 160 km/h की स्पीड में ये चल सकती है और ऑटोमेटिक डोर है, फायर अलार्म सिस्टम है और सीट को भी आप राउंड घुमा सकते हैं, सामने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। साउंड लेवल इसका प्लेन का जो साउंड लेवल उससे भी कई गुना कम लेवल है, तो वर्ल्ड में काफी प्रशंसा हो रही है। वाईफाई कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा है, वो आपका कंटेंट ऑन डिमांड में फ्यूचर में और सुविधाएं उसमें एडिशनल सुविधाएं आती रहेगी। बोले सर जी, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग चाहते हैं जानना चाहते हैं, इसका फेयर क्या होगा हावड़ा से पुरी और पुरी से हावड़ा? आपका हावड़ा से पुरी का इसका फेयर होगा इक्विटी क्लास का है, 2400 है विथ कटिंग चार्ज, और आपका इधर आपका फेयर जो होगा इसका हावड़ा से पुरी का जो आपका चेयर कार का 1245 रुपीज। खड़गपुर का भाड़ा अलग है, हर जगह डिस्टेंस के हिसाब से भाड़ा होता है, चेंजिंग होता है, खड़गपुर से अलग भाड़ा होगा, फिर भाड़ा से अलग, जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में जो होता है जो चेंजिंग जो होता है जैसे जैसे स्टेशन नजदीक आता है तो भाड़ा कम होती चली जाती है। रेलवे पास और कंस्ट्रक्शन जो सीनियर सिटीजन का होता है और हैंडीकैप का जो होता है रेलवे नहीं, वो सभी इसमें पास अभी के बारे में भी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसमें भी रेलवे एम्प्लाई जो जितने भी है ऑन ड्यूटी जा सकते हैं। सप्ताह में कितना दिन चलेगी? सप्ताह में अभी 6 दिन चलेगी, थर्सडे को आपका ऑफ होगा मेंटेनेंस के लिए, ये 6 दिन चल रही है। 6:10 में आपका हावड़ा से खुलेगी, 12:25 पूरी में वो आएगी और फिर 13:50 में वो पूरी से चलेगी और 8:30 में आप यहाँ आ जाएगी, इसका भी शेड्यूल है। कल जो पहली बार रेस चल रहा है तो कुछ स्कूल के बच्चे लोगों को भी आप ले जा रहे थे? हाँ, इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं क्योंकि इनॉग्रल रन है और स्कूल के बच्चे काफी उत्साहित होते हैं, वो जानते हैं कि भाई कैसे ट्रेन है, क्या सेट है, ट्रेन सेट है और न्यू टेक्नोलॉजी है, तो सबके बच्चे सबसे जागरूक होते हैं, उसको लिया जा रहा है वो अनुभव करेंगे और हमारे स्पीड भी करेंगे, लोग मूवी पर बताएंगे, सोसाइटी में मैसेज मिलेगा और अनुभव भी करेंगे, रेलवे उसको एक प्लेटफॉर्म दे रही है जर्नी करने के लिए। सर कितने कोचेस हैं और कितने पैसेंजर की कैपेसिटी? टोटल इसमें में कैपेसिटी 1125 की कैपेसिटी है, टोटल 14 चेयर कार है और 2 ड्यूटी क्लास के।